नमस्कार। अभी पुष्य नक्षत्र आ रहा है और पुष्य नक्षत्र के दिन हम सबको पता है सुवर्ण प्राशन, हम मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन के केंद्र करते हैं। केंद्र करने के लिए कुछ नियम बनाए हैं जो व्यवस्था टिकाने के लिए बहुत आवश्यक है। नियम तो पहले ही बन गए थे, केवल अभी इम्प्लीमेंटेशन हमने एक एक नियम का शुरू करने के लिए किया, क्योंकि ये व्यवस्था को लंबी टिकानी है। भारत में ये प्रथम घटना है जब एक तरह का सुवर्ण प्राशन लगभग 500 जितने केंद्रों पर हो रहा हो। पांच पांच दस दस बालक नहीं, अपितु 2500 जितने बालक एक केंद्र में सुवर्ण प्राशन पी रहे हो। ये आपको आश्चर्य लगता होगा, लेकिन ये सच्ची घटना है। 2500 बालक, 2500 बालक मोरबी के केंद्र में भी सुवर्ण प्राशन पी रहे हैं। वो तो मैंने एक केंद्र की बात बताई, छोटे छोटे केंद्रों में 500 से 1000 बालक सुवर्ण प्राशन पी रहे हैं निःशुल्क रूप में हर पुष्य नक्षत्र पर, वो भी नियमित रूप से, अर्थात हर एक महीने में। ऐसा नहीं है कि मुफ्त में है तो एक महीना किया, दो महीना नहीं किया। डेडिकेटेडली कार्यकर्ता वहां पर जाकर वो सुवर्ण प्राशन का पिलाने का एक पवित्र कार्य कर रहे हैं, जो आज के समय में मैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य गिनता हूँ। गुरु जी गिनते थे, गुरुजी ऋषि तुल्य व्यक्ति ऋषि ही, वो इस कार्य को पवित्रतम कार्य गिनते थे, क्योंकि ये कार्य भारत की भावी पीढ़ी को बचाने के लिए अति उपयोगी सिद्ध होगा। सबसे बड़ी घात बालकों के ऊपर वो भी वैक्सीन और अलग 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 मेडिसिन्स के माध्यम से जो हो रही है उसको बचाने के लिए, और विभिन्न बाल रोगों के लिए, बालकों के शरीर को बचाने के लिए, उसके प्राण को बचाने के लिए, उसके मन को बचाने के लिए कुछ पोषकता चाहिए, और वो पोषकता ऋषि मुनियों ने सुवर्ण मन प्राशन के रूप में दी है। बस इतना जरूरी है कि वो मंत्र और औषधियों से सिद्ध होना चाहिए, जो सबसे पहले गुरुजी ने बनाया। बाद में भी लोगों को लालच लग गई। लालच व्यक्ति को किस बात की नहीं लग सकती, वो आश्चर्य है। वो ज्यादा यदि गीता और वेद भी बिकने लगेंगे तो उसमें भी लालच हो सकती है व्यक्ति को। वो चाहे जानता हो न जानता हो, वो भी वेद के ऊपर लिखने लगेगा, वो भी गीता के ऊपर लिखने लगेगा, क्योंकि जो बिकता है उसमें लालच लगनी आसान है। सुवर्ण प्राशन का भी ऐसा हुआ। मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन के अनेक जगह पर केंद्र हुए, बहुत लोगों ने ऑफर की कि अपनो ब्रांड बिना को दे, अपने को ये दे, अपने को वो दे। हमने कहा कि क्यों चाहिए आपको ब्रांड बिना का? क्या संस्कृति आर्य गुरुकुलम का नाम, जो मैंने अपनी ब्रांड नहीं की, नहीं जो सबसे महत्व की भूमिका में था और गुरुजी के इस कंसेप्ट का सबसे ज़्यादा जो प्रचार किया तो मैंने किया, वो मैंने अपनी अपेक्षा नहीं रखी, संस्कृति आर्य गुरुकुलम का और गुरुजी का ही नाम आगे किया, क्योंकि उनका तप है। तो आपको कौन सी तकलीफ है, अर्थात आपकी वृत्ति में तकलीफ है। आप ये नहीं चाहते कि पैसे के बिना भी कोई कार्य मैं करूं, ये आप में खोट है, ये वृत्ति आपकी है। आप हर एक जगह से बटोरना चाहते, एक को कार्य ऐसा रखो कि उसमें आप अपेक्षा न रखो, कम से कम वो भी बच्चों के विषय का। यदि वो आप नहीं कर सकते हैं तो कैसे आप ब्लेम कर सकते वैक्सीन वालों को? यदि आप नहीं कर सकते हैं तो कैसे आप अंग्रेजों को खराब कह सकते हैं? और कैसे आप राजीव दीक्षित जी के व्याख्यान सुन सुन कर बहुत बड़े चिल्लाने का काम कर रहे हैं? और ज्यादातर ऐसे ही लोग हमको ये सब प्रश्न करते हैं कि आप इतना वो दो, इतना दो, हमारी ब्रांड दो, वो दो। क्यों भाई, क्यों ऐसा करें हम? गुरु जी के तप को दाव पर लगाए तो मेरे ही बनाता ना, मैं क्यों संस्कृति आर्य गुरुकुलम के नाम से आपको सुवर्ण प्राशन देता, क्यों आग्रह करता मंत्र औषधि रखने का? वो तो नहीं है मेरी, गुरुजी ने दी हुई है और उन्हीं के नियम से चलाने वाली है, मैं चलाने वाला हूँ। मैं अपने बाप के नाम के नहीं करता, मैं अपने घर की नहीं करता, नहीं की मैंने। बहुत अवसर थे मैं मेरा सेपरेट करूँ, गुरुजी को एक तरफ करूँ, लेकिन मुझे पता है कि गुरु को एक तरफ करना, अर्थात गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को एक तरफ करने का महापाप है। तो मैं उसी लाइन पे चला जो इस लाइन, इस युग में आपको कठिन या अशक्य लगता है। इसके लिए हर एक व्यक्ति गुरुकुल करना चाहता है, लेकिन गुरु को छोड़कर बस हम अपनी रीत से करें। आचार्य नहीं होना चाहिए, जो राम ने नहीं किया, कृष्ण ने नहीं किया, वो आप करने लगे हो। गुरुकुल स्थापित किया, हमने कहा आचार्य कौन है, किसके मार्गदर्शन है, कोई नहीं, हम अपनी रीत से कर रहे हैं। तो सुवर्ण प्राशन जैसा पवित्र कार्य अपने रीत से न करें।
कम से कम संस्कृत यार ये गुरुकुलम का 50 साल का अनुभव है, उससे तो काम पे ले, ये तो सीखे अंग्रेजों से कम गाली देने से पहले कि किसी के अनुभव से केम कैसे काम लाया जाता है। कोई एक सिस्टम व्यवस्था बिठा रही है, उसमें हम साधन बनकर कैसे काम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। नितिन आर्य जी कलकत्ता के जो है, उन्होंने तो बहुत सारे रोगों पर रिजल्ट लिया है, अनेक केंद्र के माध्यम से बहुत सारे कार्यकर्ता जुड़े हैं। निस्वार्थ निरपेक्ष भाव से ये कार्य करने का मैं आपको आह्वान करता हूँ, और ये मेरा हमेशा से यही रहेगा कि आपको ये आह्वान करूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पुष्य नक्षत्र के दिन का सुवर्ण प्राशन भेजें। इस सदी की ये सबसे बड़ी मूवमेंट है बच्चों को बचाने की, तो उसमें आप कार्य करें। दूसरा प्रश्न, आपके लिए पहुँचाने के लिए लगभग 500 केंद्रों तक पहुँचाने के लिए जो कुरियर चार्ज रखे हैं, उसमें बहुत लोगों के प्रश्न आ रहे हैं, वो हम घर पे नहीं ले रहे हैं, वो कुरियर सर्विस हमारी कंपनी नहीं है, हमारे बाप की कंपनी नहीं है, आप समझिए। वो कुरियर पहुंचाने की राशि है, वो सुवर्ण प्राशन की राशि नहीं है। भारत की एक भी कंपनी पुष्य नक्षत्र का भी सही मुफ्त दे रही है, आपको निशुल्क पहुंचा रही है, हमसे हजारों गुना बड़ी है। आप चाहे किसी एक का नाम लीजिए कंपनी का, हमारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनरीज से लेकर संपत्ति में सबसे वो आगे होगी, हजार गुना आगे होगी, हजार तो कम कह रहा हूं, 5-5, 25-25 हजार गुना आगे होगी। तो वो क्यों नहीं कर रही है? यदि ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है तो वो कंपनियां क्यों, उसको पता नहीं है, उसके पास मार्केटिंग को सलाह देने वाले लोग नहीं है, बस आपको केवल बोलना है। लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, उसी का मैं अभी जवाब दे रहा हूं। तो क्यों नहीं कर रही है, और क्यों संस्कृत आर्य गुरुकुलम, जिसका आज दूसरा मंजिला नहीं है, जिसके पास आज छत वाला मकान नहीं है, पतरे वाले मकान है, जिसके पास एक अपनी कहे जाने वाली कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, किसी और की फार्मेसी में करते हैं काम, किसी और का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं, किसी और को कन्विंस करते हैं देने के लिए, किसी और की जमीन पर औषधियां उगाते हैं और वो हर बार जमीन बदलनी पड़ती है, किसी और को साधन सामग्री के लिए कन्विंस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और ये करने के बाद आपको मुफ्त में सुवर्ण प्राशन पहुंचाते हैं, और इसके बाद आपका प्रश्न आता है कि 80 रुपये कुरियर चार्ज क्यों, वो देने को तैयार नहीं, तो आप केंद्र बंद कर देते हैं। मैंने देखा बहुत लोगों ने केंद्र बंद कर दिया 80 रुपये। सुनिए आप स्वदेशी के व्याख्यान, अंग्रेजों ने क्या किया, मुसलमानों ने गुरुकुल को खत्म कर दिया, ये सब सुनिए आप बैठे बैठे एसी रूम में बैठकर सुनिए, और जगत को उपदेश देते रहिए पूरा बैठे बैठे, पानी पीना कि खड़े खड़े पानी पीना, कि कुकर के रसोई करना या नहीं करना, कि उससे कौन से तत्व नष्ट हो जाते, करिए काम, ये सुनते रहिए पूरे दिन, और अपने आप को पीछे एक दो थापली अपने आप ही मार देना आपको कि वाह भाई वाह, मैं बहुत बड़ा महापुरुष बन गया हूं, क्योंकि मैंने इतनी सीडी किसी की पढ़ ली और 5 किताबें धर्मपाल जी की पढ़ ली, और उसमें से कुछ डेटा निकाल दिया और वो डेटा के YouTube वीडियो बना दिए, और शेयर करते करते मैं अपने आप को बहुत बड़ा सेवक और बहुत बड़ा महापुरुष मानने लगा। अपने आप को थपथपाइए ये पीठ, क्योंकि आप यदि ये मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन की बड़ी मूवमेंट, उसमें भी आपको कुरियर चार्ज देना पड़ता है, तो आपसे अंग्रेज मुसलमान बहुत अच्छे हैं, इन्होंने तो कुछ नाश नहीं किया, नाश आपके जैसे लोगों ने किया है। उसमें भी आपको तकलीफ हो रही है एक चाय का पैसा देने के लिए, जो इतनी बड़ी मूवमेंट पर, और यही परखने के लिए रखा था हमने वो, आपके जो प्रश्न आ रहे कि वो कुरियर चार्ज क्यों रखा, यही परखने के लिए कि आप 80 रुपये छोड़ सकते हैं सुवर्ण प्राशन की मूवमेंट चलाने के लिए। संस्कृत आर्य गुरुकुलम प्रति माह 5 लाख, 3 से 5 लाख का जब खर्च कर रहा है, आप तक पहुंचे सालों से कर रहा है, सालों से थोड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसा जैसे जैसे आवश्यकता लगी उसे बढ़ाते गए, सालों से कार्य कर रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि जहां मार्केटिंग प्लेस है वहां करता है, आप देख सकते गढ़चिरौली के जंगल में करते, उड़ीसा के जंगल में, वहां की हमको ये परवाह है कि आदिवासी हमारी प्रोडक्ट यूज करेंगे या मंत्र औषधि का शैंपू यूज करेंगे आदिवासी, वो मन में भाव होगा, होगा तो हम वो क्षेत्र में करेंगे। आप थोड़ा अपने मस्तिष्क को तस्ती दीजिए ये सब सोचने की, और कितनी बड़ी मूवमेंट का आप हिस्सा है वो आपको पता ही नहीं है। इसके लिए आपको ये प्रश्न आता है कि 80 रुपये क्यों लगाए कुरियर के।
और ये आप नहीं चाहते हैं आप निकल सकते हैं अवश्य ही। बहुत सारे और कंपनियाँ से बहुत सारी मूवमेंट भी है, उसमें आप ज्वाइन होइए, क्योंकि आप अपना उपयोग उसी के मोहरे पर करना चाहते हैं वो करिए। हम आपको किसी भी प्रकार की सांत्वना या लालच देना नहीं चाहते, नहीं आपके इशारों पर नाचना चाहते हैं। गुरुजी ने जो स्थापित की है, पूरा गिनती करके पूरी व्यवस्था करके उन्होंने स्थापित की है, उसी को ही हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए आपकी यदि वाजिब फरियाद नहीं होगी तो उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि आपको ये सेवा नहीं लगती है, यदि हृदय के छेद का बंद हो जाना सुवर्ण प्राशन से, अस्थमा का चले जाना, यदि किसी का एलर्जी मिट जाना, किसी के कैंसर तक के रोगों में परिणाम लाना, किसी की फीड्स को रिजल्ट लाना, यदि आपको ये सब उपलब्धियां नहीं लगती है और उसमें भी आपको 80 रुपये के लिए प्रश्न आता है, तो आपका प्रश्न आपको मुबारक है, उसको मुझे कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। इतने फीडबैक के बावजूद, इतने अनुभव के बावजूद यदि आपको ये प्रश्न उठता है कि सुवर्ण प्राशन की कुरियर पहुंचाने की राशि क्यों है, वो भी आप बेर करनी चाहिए, तो बस आप बंद करिए केंद्र। उसके आगे हम कुछ नहीं कहेंगे। आपके जैसे लोग कुछ कार्य करने वाले नहीं हैं, आपके जैसे लोगों को हमको कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने रूम में रहिए, टीवी देखिए, तब तो आप जियो को नहीं पूछेंगे कि मेरे तक नेट पहुंचाने के पैसे क्यों लेते हैं आप 600 रुपये। जब धीरू भाई इतने रख गए हैं तो मुकेश भाई को आप ये नहीं पूछ रहे कि नेट मेरे तक पहुंचाने के लिए 600 क्यों है। ये आप डिश वाले को, एंटेना वाले को, जो नेट सर्विस है या तो फिर कोई भी प्रकार की ऐसी पोस्ट की है सर्विस, वहाँ नहीं पहुँचे। लेकिन मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन या तो आपका प्रश्न आएगा कि मेरे तक YouTube पहुँचाने के पैसे क्यों 600 है, वो नहीं प्रश्न उठा। मेरे तक ये सब पहुंचाने के लिए प्रश्न, कोई भी वस्तु आती है तो पहुंचाने के पैसे क्यों गवर्नमेंट ले रही है, एक सामान्य सरकार पानी पहुंचाने के पैसे ले रही है, गैस पहुंचाने के पैसे, उसमें आपको कोई प्रश्न नहीं है, जबकि उसकी सैलरी है 1 लाख रुपए और आपसे टैक्स के रूप में ले रहे हैं। लेकिन ये तो कोई और ले रहा है, वो भी कुरियर की सर्विस ये कंपनी ले रही है, हम नहीं ले रहे, तो भी आपको प्रश्न है, तो आपकी बुद्धि को नमस्कार है। आपके जैसे लोग भारत में आए वो भी मैं दुख मानता हूँ, ऐसे लोग भारत में भरे हो तो भारत का दुर्भाग्य है, जो अपने अलावा और कुछ नहीं सोच सकते हैं और कोई बड़ा विचार ही नहीं कर सकते हैं, ऐसे माइंड वाले लोग, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप कर सकते हैं बंद उसको, ताकि और लोगों को अवसर मिले, और लोग ऐसे पवित्र कार्य जिसको नहीं मिलता है वो कार्य वो चला सके और मंत्र औषधि से बहुत बच्चों का लाभ हो सके। हम तो ये आवेदन करते हैं कि हम ये कुरियर चार्ज ले रहे हैं, आप हम जो दे रहे हैं उतनी राशि अपनी निकालिए और उतनी राशि से ही पेम्पलेट छपवा कर प्रचार कीजिए, तभी आप सही मायने में कार्य करता है। संस्कृति आर्य गुरुकुलम यहाँ से आपको 200 रुपये की, 500 रुपये की बोतल भेज रहा है, एक नहीं, एक 300-500 रुपये की बोतल, ऐसी 50-50 बोतल केवल आपके विश्वास पर भेज रहा है कि आप उसको पिलाएंगे, तो आपका ये दायित्व तो बनता है कि 1000 पर्चे आप भी छपवाइए और ये आपके क्षेत्र में बंटवाइए उसको, तब हम मानेंगे कि आप सही मायने में स्वदेशी है। बातों से हम नहीं मानेंगे, आपके कुर्ते पायजामे से तो बिल्कुल नहीं मानेंगे कि ये ठगी तो हमने बहुत देखी है, आपकी शिखा से नहीं मानेंगे हम, आपकी उठपटांग बातों से तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि वो बात तो हमारे लिए बहुत सामान्य है जो आप लोगों को कर रहे हैं ज्ञान की, उसके तो कहीं ऊपर हम हैं। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा, और लोगों को भी अवसर दें, यदि आपको कोई प्रश्न है तो मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन के कार्यकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, ये गुरु जी को मैं नियमित रूप से प्रार्थना करके उनसे शक्ति मांगता हूँ, और वो शक्ति से हम भारत का कल्याण कर सके, ऐसी मैं इच्छा रखता हूँ। नमस्कार।